मेरा प्रश्न सुन तो आप बोल रहे यहाँ पर लिखा है अन्ना हजारे ने चालू किए ढोंगी बनावट आंदोलन मापन त्यागे शुरू न करता आता रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है सरकार में। देखिए देश भर में अगर आपको बताता हूँ मैं विदर्भ गया हूँ एवरी महीने वहाँ पे 15 से 20 लोग आत्महत्या करते हैं। हर कलेक्टर ऑफिस के बाद जाइए आपको सुनिए आप मेरी बात सुनिए एक हर कलेक्टर ऑफिस के बाद जाके जरा झांकिए साहब वहाँ पे आपको रिपोर्शन करते हुए अपने जमीन छीन आप पटर है जो अन्ना हजारे ने आंदोलन जिस दिन से चालू किया तो आपने आपके संस्था ने विरोध क्यों नहीं किया। देखिए हर एक आदमी को ये लोकशाही है कोई कुछ भी मांग कर सकता है। जब अन्ना हजारे साहब ने ये चालू किया जनलोकपाल में उसके साथ था। दूसरी बात आपको बता देता हूँ जब उसमें कहा गया कि सिविल सोसाइटी से लोग रहेंगे और वो अगर इसके ऊपर डिसीजन लेंगे डिस्कशन में रहेंगे बहुत अच्छी बात थी। मगर मुझे कभी पता नहीं था कि सिविल सोसाइटी के नाम पे वही चार लोग आ जाएंगे जो इनके साथ ये मुहिम चालू किया। आपको तो ओपन हाउस रख के उसमें से इंटेलेक्चुअल लोगों को लेना चाहिए। मेरी बात वही है सर ये जो मेडिकल कॉलेज आप बोल रहे हैं इनका इंस्टीट्यूशन का और ये मेडिकल का इंजीनियरिंग उनका नाम या सिटी ए बी शेट्टी मेडिकल कॉलेज है ये मैंगलोर में ए बी शेट्टी हाँ और नित्य इंजीनियरिंग कॉलेज है नित्य ये दोनों नित्य NIIT मुंबई में जो स्काईवॉक बना उसका मैंने कितना फोन मत करिए मुझे सॉलिड कंक्रीट वो तो 15 दिन रुको अभी तो मेरा खुलासा होगा। जय सिंह जी बैठो निकालने का सक्सेसफुल। व्हिच इज द सेकंड सेकंड
अच्छा लगा आप आए।